अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, एक नई वीडियो के साथ। वीडियो रेसिपी का तो आपको पता चल ही जाएगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। और जो रेसिपी है, हम आलू की रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही सिंपल, क्रिस्पी और स्पाइसी बनेगी, ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारे जो तैयार हुआ था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं देखने से ही, और इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, उसके लिए सामान हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर मैंने आलू ले लिए थोड़े से, और यहाँ पर मेरे पास 2 टीस्पून के करीब धनिया और जीरे का पाउडर है। यहाँ पे 3 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च के हैं, और यहाँ पे 1.5 टीस्पून हमारे पास नमक है। यहाँ पर 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है, और यहाँ पे हमारे पास हरी मिर्चें और धनिया है। ये तो व्यूवर्स, कढ़ाई के नीचे हमने चूल्हा पहले ही जला दिया था, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे अपना। 1 कप हमने ऑयल लिया था, जो अब हम इसमें अपने आलू डालेंगे। अब हमारे पास ये जो धनिया और जीरे का पाउडर था वो हम इसमें डालेंगे। नमक, और ये हमारे पास जो लाल मिर्च थी। अब हम इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसे अच्छी तरह से हिला चुके हैं। अब 10 मिनट के लिए हम ऊपर इसको किसी चीज़ से ढांप देंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। इसको 10 मिनट पकाने के बाद अब हम इस पर ये धनिया और मिर्चें डालेंगे। धनिया और मिर्चें डालने के बाद अब हम इसको फिर से दम पे लगा देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, हमने इसको दम पे लगाया था थोड़ी देर, अब आप इसकी लुक देख सकते हैं। अब ये बन के तैयार हो चुका है, अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी रेसिपी की फाइनल लुक है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।